सजना वो कैसे नजर आवे, पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। शब्द मोहोदित गर्जत है रे दिल दरिया दुर्बीना। पाक मोहब्बत ला पुरुष से साफ करो तन सीना। कुंभक रेचक राम रसायन उल्टी पवन चढ़ीना। अर्थ धर्म और काम मोक्ष हो कारज सकल सरीना। जन्म जौहरी के घर पाया परख लाल दुर्बीना। तीन लोक का राज दिया तो सुरपति कहा कमीना। गर्व गुमान दूर कर बोरे ये तो बात भली ना। आदिनी की राह पकड़ ले होए रहो सबसे ही ना। बड़े बड़ों तो मूल गवाया छोटे भरे करी ना। कामधेनु काया के माही अमृत दू कर पीना। तन के जोगी और मन के भोगी इंद्री नहीं कसीना। सुरत नृत दरबार हंसनी मैलो नहीं दसीना। जय सिर जाय सिर नहीं दीजे यो पद अजर जरीना। सतगुर सार वस्तु बतलावे और पारस लोग हसीना। दर्द बंद दरवेश समझे मूर्ख कहाँ कलीना। जिनको का दीदार जिनको तो दीदार कहाँ जो आत्म बिरह जरीना। रोम रोम द्वारा देही जैसे अंग पसीना। ऐसे रंकार रट बोरे ओ हम सुमरीना। मान सरोवर के जल रहावो ये छाड़ो मकर महीना। गरीब दास ब्रह्मा विष्णु खवासी करें गरीब दास के दीदा। अब कितना क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि ये तो मंत्र सतनाम भाई, इस किसके भक्ति बिना कति सरीना सरह नहीं, इसका सुमरीना। और कहते हैं उस सतपुरुष के घर पर ये ब्रह्मा विष्णु करें चाकरी नौकर गरीब दास कह दी ना, हमने कह दी सच्ची बात। गगन मंडल में घूमट है रंग होरी हो। जा श्वेत दजा फर्रा ही राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में घूमट है रंग होरी हो। जहां श्वेत धजा फर्रा वे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरस कुरस पर श्वेत घूमट है जहां सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है और वहाँ एक बहुत सुंदर सफेद गुमट के अंदर गुमज उसमें रहता है, बहुत बड़े गुमज में उसका। यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुमट। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत धजा फर्रा वे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद धजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि बाणी से अगम है रंग होरी हो। सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भये रंग होरी हो। ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो। और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो। कच्छ मच्छ कूरम्ब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो। ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो।
तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में बवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस कारा सा कहूं रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुणी रंग होरी हो, चतुर मूड अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। लख चौरासी जाति है रंग होरी हो, ये चार खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंडरज जेरज उद्बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रचि पीव राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी के ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही में दो राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो, वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। सुन सरोवर हंस मन रंग होरी हो, वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते सुन सरोवर में यानी ऊपर सुन शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहाँ सब सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहाँ परमात्मा है, उसके साथ हम सब होली खेलेंगे या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए, क्या बताते हैं। सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो, वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहेब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो। घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो, वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं। और दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहेब एक राम रंग होरी है, यानी उसी से खेलने बात बनेगी, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा, इसका कहने का तात्पर्य। आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्यौहार होली, इसका इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं। कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्ट मान कर उसके उसकी पूजा कर रहा है, उसके होली खेल रहा है, कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जीत है,
और कोई भैरव भूत बेतालों से, कहते तुम इनसे होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं। वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उस तरह खेलो होली। ये नकली होली इन गिला खेलते हैं, बहुत दिन हो गए, ये भी नाशवान, तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा, अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते ना ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं, तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है। तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा सबका दादा सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता है। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा क्या बता रहे हैं, सवेत गुमट सर से हेरा रंग होरी हो, सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्हा का सेरे हुआ करें मुकुट है मालिक का, श्वेत गुमट सिर से हेरा रंग होरी हो और जलके करण अनंत राम रंग होरी हो, सुन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटके पपील राम रंग होरी हो, कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से कौन साधना से उसको पावे, क्या युक्ति है उसके पाने की, उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्माओं ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं, तो सतगुरु के कहने से फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरी कब हो, सिंह की खाल उड़ाए, यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुमार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरिया पा गया, उसकी खाल तार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे, खेतों में रखवाले रहते थे फसल के, वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि भाई कौन आ गया, पहले से सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए, इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर है भाई, सारे ने डांक ठोक दी, भाग गए गांव में। अब वो छक के खा के खेती अपने सामने, सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया, तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है, खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुमार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो, फिर वो समझ गया कोई कुमार की जालसाजी है। उसने कहा भाई शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गाँव वाले बोले भाई कैसे, कि मेरे साथ चलो। बुरख वाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझाया बुझा के तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तेरे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ मेरी सहयोग दो। चल भाई,
वो अपने पांच चार गधे आके ले गया उड़े और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो, तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया और सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया, वो खाने लग रहा खेती, फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने भरे सुर अपने लागे हर हर कर हो, तो उधर से वो शेर कभी उठी कोकी कोकू की, वो भी ला गया वहाँ से होचू होचू करता हो उड़े आ गया। और वह खाल खोल उतर गई पड़गी कितना हो उड़े भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मत्सी बदी कुमार ने तो पहचान दिया कि सागी गद आए है, नीचे उतर का आया नो बोला यो रहा थारा शेर भाई। फिर वो जिस कुमार का गदा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, बेतने या केस सोची नालायक, कितना नुकसान कर दिया तू, ले लेता थोड़ा बहुत तोड़ा इसकी खातर, घुस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो बेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है कौन असली है। अब क्या बताते हैं, खेचरी मुचरी चाचरी रंग होरी हो, खेचरी मुचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर जान राम रंग होरी हो, उन मनी घर आसन करो रंग होरी हो, वो पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो, द्वादश दल में बैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाब समो राम रंग होरी हो, त्रिकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश को भय रंग होरी हो, अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीव संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ऐ नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चाचरी बूचरी खेचरी उनमनी इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो, यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जप राम रंग होरी हो, अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपान में भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेश राम रंग होरी हो, श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उस श्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहाँ सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो, नाम की सरोवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो, ओम सोहम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उस श्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस लोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी ओ, तिरबेणी के तीर राम रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, परपटन की सैल राम रंग होरी हो,
पावन अटक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये बावन अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा के पाणी का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, वहाँ स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो, तारंग मंत्र ली जिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले, कौन सा? तारंग मंत्र ली जियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो, वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, सोहम ऊपर ओर है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अपनात्मा ये है सूक्ष्म वेद जो इस चारों वेदों